हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी में। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक हर्बल शैम्पू मंगवाया था, खादी हर्बल शैम्पू रेड एंड इन वाला। आज मैं उसी का रिव्यू लेके आई हूँ। मैंने उसको 3-4 बार यूज़ कर लिया है और जो भी रिज़ल्ट आया है वो सब मैं आपके सामने शेयर करूँगी। सो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है साक्षी और मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद साक्षी, जहां आपको मिलता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवलिंग व्लॉग्स मिलेंगे, मेकअप वीडियोस मिलेंगे और प्रोडक्ट रिव्यूज़ मिलेंगे, DIYs मिलेंगे। सो अगर आप मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं है तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल। जो आप वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको क्लिक करना है और आपको साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ खादी रेड अनियन शैम्पू के बारे में। इस तरह की ये बॉटल है और ये 2 बॉटल आई थी। ये देखिए, एक तो पूरी पैक्ड है और मैंने एक बॉटल ओपन कर ली है और इसको यूज़ भी किया है। ये देखिए, इतना ख़त्म भी हो गया है। तो ये इस तरह से पैक्ड बॉटल आती है, पूरी पॉलीथीन रैप होती है। ये देखिए, इस तरह से पूरी पॉलीथीन रैप रहेगी। सो इसके बारे में आपको बता दूं कि पूरा नाम है इसका खादी हर्बल रेड अनियन शैम्पू 100% नेचुरल पैराबिन फ्री। और एक्चुअली ये पैराबिन फ्री शैम्पू होता भी है। और ये देखिए, इस तरह से इसका प्राइस है 399 रुपीज़ और प्रोडक्ट क्वान्टिटी है 210 ml। यहाँ पे सब मेंशन है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है सब कुछ। और ये आप देख सकते हैं, बूस्ट वॉल्यूम, लस्टर, सॉफ्टन, रीस्टोर शाइन, इनरिच विथ विटामिन ई, यहाँ पे सब मेंशन होता है फ्रेंड्स। सो इतनी बड़ी बॉटल आती है और ये 399 में मुझे 2 बॉटल रिसीव हुई है 210 ml की, और दोनों बॉटल उतनी ही क्वांटिटी की हैं। तो मैंने इसको 3 बार यूज़ कर लिया है फ्रेंड्स, और मुझे ये शैम्पू मेरे हेयर टाइप के लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली मैं इसे समर्स में यूज़ कर पाऊँगी, मैं इसे यूज़ करना बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि ये ड्राई हेयर्स के लिए नहीं है ये शैम्पू। विंटर में अगर आपके ड्राई हेयर विंटर में रहते हैं, नॉर्मली ड्राई हेयर जिसके हैं, फ्रिजी हेयर्स हैं, वो ड्राई ही रहते हैं। सो मेरे हेयर्स इसको लगाने के बाद ड्राई हो गए थे बहुत ज़्यादा, और इचिंग होने लगी थी स्कैल्प पे। सो मुझे ये शैम्पू उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे सूट नहीं किया। अपने हेयर अकॉर्डिंग ही यूज़ किया करिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था कि रेड अनियन वाला यूज़ करूं। इसका मैं खादी हर्बल का मैं आमला और भृंगराज वाला मंगाने वाली हूं, क्योंकि मैंने देखा कि वो ड्राई हेयर्स के लिए अच्छा है। सो उसको भी मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैंने उसको मंगवाया नहीं है, लेकिन मंगवाऊँगी मैं। तो ये शैम्पू मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मेरे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। जिसके भी हेयर ड्राई और डल फ्रिजी हैं, उनके लिए ये शैम्पू बिल्कुल भी नहीं है, वो मत लीजिएगा ये शैम्पू। स्कैल्प में इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी इसको यूज़ करने के बाद। सो मैंने अब बंद कर दिया है इसको यूज़ करना। सो इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको बता देती हूँ इसके बारे में, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं अब गर्मियों में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उसमें मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि उस समय थोड़े से ऑयली हेयर्स हो जाते हैं। तो उस समय मैं इसको यूज़ करके ख़त्म करूँगी, दोबारा मैं इसको नहीं मंगाने वाली हूँ। और अगर आपका ऑयली हेयर्स हैं आपके, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। मेरी ओपिनियन के हिसाब से फ्रेंड्स, मत लीजिए इसे, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये सूट
नहीं किया शैम्पू और मेरे हेयर्स ड्राई हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसा ही शैम्पू यूज़ करूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप हेयर मास्क DIY हेयर मास्क मैंने बताया है, वो बीच बीच में ज़रूर यूज़ किया करिए। उससे आपके हेयर्स की ना जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहेगी, क्योंकि एक बार जब हेयर्स पे ना बहुत ज़्यादा हेयर्स में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसको क्योर करने में टाइम लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप बीच बीच में, जैसे अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो संडे तो टाइम रहता होगा, आप एक घंटे अपने हेयर्स के लिए निकाल लीजिए और हेयर मास्क बनाइए। मेरे चैनल पर बहुत सारे हेयर मास्क के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उन्हें देखिए। और जो भी आपको हेयर मास्क अपने हेयर प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सही लगे वो आप यूज़ करिए, और संडे ज़रूर यूज़ करिए हेयर मास्क। फ्रेंड्स, जो भी आपके बाल की प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो प्रॉब्लम को क्योर करने में बहुत टाइम लगता है। सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बीच बीच में आप हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करते रहा करिए। और मुश्किल से 1 या 2 घंटे अगर आप हेयर मास्क लगा के आप हेयर को वॉश करेंगी ना, तो आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव होती है। और विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ें, फूड भी खाया करिए और पानी बहुत पीना है आपको। सो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा तो हेयर की क्वालिटी अच्छी होने वाली है। मुझे ये शैम्पू आप मत लीजिएगा अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो, और स्कैल्प ड्राई है या हेयर्स ड्राई हैं, तो ये शैम्पू मत लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है, जैसा कि मेरे लिए नहीं है ये शैम्पू। सो यही था आज का रिव्यू, और इसे मैं अब या तो हस्बैंड को दे दूँगी यूज़ करने के लिए, या फिर मैं गर्मियों में देखूँगी अगर मेरे स्कैल्प ऑयली हो रहे होंगे तब मैं इसे यूज़ करूँगी, वरना वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ड्राई हैं और मैं ऐसा शैम्पू बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ कि जो और ड्राई कर दें। सो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर दिस शैम्पू। सो खादी हर्बल का मैं आंवला भिंगराज वाला यूज़ करके उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो बने रहिएगा चैनल पे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप करती हूँ सभी अच्छे होंगे, और पॉजिटिव रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।